हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो वार्नर ब्रदर्स की जो हाईली एंटिसिपेटेड अपकमिंग मूवी है ड्यून, जो अक्टूबर 22 को इंडिया में और यूएस के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हो रही है, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने यूरोप के 24 मार्केट्स में इस मूवी को पहले ही रिलीज़ कर दिया है, एक मंथ पहले। और मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि वहाँ पर इसका जो ओपनिंग वीकेंड था वो बहुत अच्छा था। तो गाइस, अब रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि उन 24 यूरोपियन मार्केट्स में ड्यून ने 100 मिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर लिया है। जी हाँ गाइस, 100 मिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है ड्यून ने उन यूरोपियन मार्केट्स में। और मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि यूरोपियन मार्केट्स में ड्यून मूवी ने क्रिटिक्स और ब्लॉगर्स की जो फेवरेट मूवीज़ हैं, यानी कि मास्टरपीस ब्लैक विडो और ब्लॉकबस्टर शैंगची, उन दोनों मूवीज़ को ड्यून ने हरा दिया है और काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया है। शैंगची को तो शायद 65% ज़्यादा कलेक्शन किया है ओपनिंग वीकेंड में ड्यून ने, और ब्लैक विडो को भी शायद 50-55% के मार्जिन से बीट किया है। यानी कि इस मूवी को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया जा रहा था। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसका बजट ज़्यादा है तो ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी वगैरह वगैरह। वैसे भी वार्नर ब्रदर्स की मूवी होती है तो क्रिटिक्स ब्लॉगर्स तो का बस चले तो रिलीज़ के पहले ही उसे फ्लॉप बोल दें। लेकिन गाइज, एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है। एक मीडिया पोर्टल है स्क्रीन रेंट नाम का, आप लोग शायद इसके आर्टिकल्स पहले भी देख चुके होंगे। ये जो पोर्टल है वो अक्सर बहुत ज़्यादा बाइज्ड न्यूज़ दिखाता है। ये थोड़ा डिज्नी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ये झुके रहते हैं, उस तरफ ज़्यादा पॉजिटिव ये लोग अपडेट्स देते हैं। तो इन्होंने चार से पाँच दिन पहले एक आर्टिकल्स लिखा था कि ड्यून का जो अर्ली सक्सेस है, यानी कि जो अर्ली इनका जो अच्छा कलेक्शन है, उससे सक्सेस गारंटी नहीं होता है। यानी कि ये कहना चाह रहे थे कि जो ड्यून का कलेक्शन हाँ अच्छा तो है, लेकिन उससे ये गारंटी नहीं होती है कि मूवी सक्सेसफुल होगी। अब हम अगर इस आर्टिकल को गाइस पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल है तो ड्यून के ऊपर जो वार्नर ब्रदर्स की मूवी है, लेकिन 60-70% जो इनका आर्टिकल है इसमें इन्होंने डिज्नी की तारीफ की है। यानी डिज्नी की तारीफ की है, स्टार वॉर्स की तारीफ की है, एमसीयू की तारीफ की है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत पैसा डिज्नी कमा रहा है। और एंड में अगर हम मेन टॉपिक पे आएँ कि ड्यून को कितना कलेक्शन करना है सक्सेसफुल होने के लिए, तो उसमें गाइस गौर करिएगा, इन्होंने ये बताया कि ड्यून नीड्स 330 मिलियन डॉलर टू 495 मिलियन डॉलर टू ब्रेक इवन। यानी कि 330 मिलियन डॉलर से 495 मिलियन डॉलर चाहिए इसको ब्रेक इवन करने के लिए, यानी कि अपना जो प्रोडक्शन बजट है उसको कवर करने के लिए। अब 330 से 495 मिलियन डॉलर की रेंज तो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो हम एक काम करते हैं, इसका कोई सेंटर पॉइंट उठाते हैं, यानी कि लगभग 400 मिलियन डॉलर के आसपास। यानी कि ड्यून को जो 165 मिलियन डॉलर पे मूवी बनी है, इसको लगभग 400 मिलियन डॉलर करना है तब जाके ये ब्रेक इवन हो पाएगी, यानी कि अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कर पाएगी। अब गाइज, आप यहाँ पे हिपोक्रेसी देखिए इन क्रिटिक्स ब्लॉगर्स की, हिपोक्रेसी जिसे दोहरा मापदंड और दोगलापन बोलते हैं। शैंगची, ब्लॉकबस्टर शैंगची, जो सेम बजट में मूवी बनी है जितना ड्यून का बजट है, ऑलमोस्ट उतना ही शैंगची का बजट है, और शैंगची ने अब तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे लगभग 370 मिलियन डॉलर के आसपास कलेक्शन किया है, और उसको ये क्रिटिक्स ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ब्लॉकबस्टर बोल रहे हैं। लेकिन ड्यून जो सेम बजट में मूवी बनी, लेकिन क्योंकि वो वार्नर ब्रदर्स की मूवी है, इसलिए उसको ब्रेक इवन करने के लिए 400 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंचना है, और कुछ तो 495 मिलियन डॉलर के तक पहुंचा दिए दे रहे हैं कि उतना करना पड़ेगा तब आपके ब्रेक इवन हो गए। तो गाइज, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हिपोक्रेसी है ये क्रिटिक्स ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स में, और कितना ज़्यादा हेट है इनको वार्नर ब्रदर्स की मूवी को लेके। यानी शैंगची जो 370 मिलियन डॉलर अब कर पाई है वो ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन वार्नर ब्रदर्स की मूवी जो सेम बजट पे है उसको 400 मिलियन डॉलर जब तक नहीं होगा तब तक उसका प्रोडक्शन बजट भी कवर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं गाइज, अब तो कुछ ज़्यादा इसमें बोल नहीं सकते, अब तो हिपोक्रेसी खुली खुली ये करते हैं, खुली खुली कहें तो डिज्नी के फेवर में आर्टिकल्स लिखते हैं और वार्नर ब्रदर्स को हमेशा नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो यही था गाइज छोटा सा वीडियो। हालांकि जितने भी कोशिश कर लें क्रिटिक्स ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स, हालांकि इनकी अब कोई इज्जत नहीं रह गई, क्योंकि हमने वैनम 2 में भी देखा, नेगेटिव रिव्यूज़ होने के बावजूद वैनम 2 ने 90 मिलियन डॉलर का वीकेंड हासिल किया। तो जो पहले इज्जत हुआ करती थी क्रिटिक्स ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स की, वो तो अब गाइज रह नहीं गई है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये किस तरीके से कुछ प्रोडक्शन हाउस की दलाली करते हैं। तो बहरहाल गाइज, क्या आप खुश हैं कि ड्यून ने 100 मिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है यूरोप के 24 मार्केट्स में? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।